तो दोस्तों आज जिस स्मार्ट वॉच के बारे में हम बात करने वाले हैं वो मुझे भाई पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग से लगी, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो सिर्फ है 1500 रुपये, और 1500 रुपये में आपको यहाँ पर एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिल रही है, और ये है हैमर ACE 3.0। हैमर वैसे मैंने शार्क टैंक में सुना था, शायद आपने भी सुना होगा। तो देखते हैं भाई कैसी वॉच है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले जैसा आप देखते हो इसका जो बॉक्स है ये कुछ इस तरह से, इसके ऊपर इसका जो डिजाइन है जैसा आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह से, काफी हद तक मतलब एप्पल वॉच जैसा है इसका जो डिजाइन मुझे लगा। उसके अलावा बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले जैसा आप देखते हो जो वॉच का मॉड्यूल है वो कुछ इस तरह से आता है अलग से, तो इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में इसका एक स्ट्रैप मिलता है, ऑब्वियसली सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, और ये जो स्ट्रैप है ना इसका भी स्टाइल जैसे एप्पल वॉच जैसा ही है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग केबल मिलती है और साथ में यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड है। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो वॉच का मॉड्यूल है उस पर यहाँ पर हम जो स्ट्रैप है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और स्ट्रैप यहाँ पर जैसे आपके एप्पल वॉच में लगते हैं ना स्लाइड करके, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लग जाते हैं। इवन यहाँ पर जो डिज़ाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे ना इस वॉच की, वो काफ़ी हद तक एप्पल वॉच जैसी ही लगती है। बिल्ड क्वालिटी जैसे मैंने बताया इस वॉच की भाई बहुत ही बढ़िया है। जिस प्राइस पर ये आ रही है वॉच 1500 रुपये में, उस हिसाब से आपको यहाँ पर पूरी मेटल बिल्ड मिलती है। साथ में यहाँ पर जो स्ट्रैप्स वगैरह हैं वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छे हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको 3D कर्व टाइप का ग्लास दिया है, 1.85 इंचेस का डिस्प्ले, इसको ऑन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्राउन मिलता है और एक रोटेटिंग क्राउन है, ये अच्छी बात है भाई इस प्राइस पॉइंट में आपको यहाँ पर एक रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है। उसके अलावा नीचे एक जो फंक्शन बटन है, साथ में यहाँ पर आपको माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। और पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर, SPO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं। तो डिज़ाइन और बिल्ड यहाँ पर इस वॉच का जो इसका प्राइस है भाई 1500 रुपये के हिसाब से तो यहाँ पर काफ़ी सही है। मेटल बिल्ड क्वालिटी होना इस प्राइस पॉइंट में वही काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इस प्राइस में मोस्टली आपको यहाँ पर वैसे प्लास्टिक बिल्ड वाले मिलती है, लेकिन यहां पर मेटल बिल्ड है तो डिजाइन बिल्ड अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ना जैसा आप देखते हो यहां पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है 1.85 इंचेस का, वो कुछ इस तरह से, ये एक LCD डिस्प्ले है, और डिस्प्ले की क्वालिटी मैं बोलूंगा कि भाई बहुत ही बढ़िया है। यहां पर जो कलर्स वगैरह है या फिर जो शार्पनेस है वो काफी अच्छी है इस वॉच की। और यहां पर जैसा आप देखते हो ऊपर की तरफ जो 3D कर्व ग्लास है उसकी वजह से यहां पर जो डिस्प्ले की लुक है या फिर जो वॉच की लुक है वो काफी सही लग रही है। और यहाँ पर इस वॉच की जो ब्राइटनेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो मिलती है 500 निट्स की, और ब्राइटनेस बोलूँगा कि यहाँ पर इस वॉच की काफ़ी बढ़िया है। इंडोर हो या फिर आउटडोर हो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से विजिबल रहता है। इवन यहाँ पर सनी जैसे कोई एनवायरनमेंट में भी आप यहाँ पर इस वॉच को काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, शेड्स वगैरह में तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छे से विजिबल रहता है। तो डिस्प्ले यहाँ पर जो 1.85 इंचेस का है मैं बोलूँगा कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे बताया एक रोटेटिंग क्राउन मिलता है, और इसको रोटेट अगर आप करते हो ना तो यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो इस वॉच फेस के साथ जो बेजल्स वगैरह हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं। और एक चीज़ बोलूँगा कि इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पर आपको चारों तरफ इक्वल बेजल मिल रहे हैं। कई वॉचेस में होता है भाई नीचे मोटा बेजल होता है और ऊपर यहाँ पे साइड में आपको कम बेजल मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको चारों तरफ एक जैसे बेजल मिलते हैं। और बेजल भी बोला कि यहाँ पर काफ़ी हद तक मतलब नैरो ही है। तो 1500 रुपये में जो इस वॉच का डिस्प्ले है 1.85 इंचेस का, मैं बोलूँगा कि भाई काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसके अलावा ये जो रोटेटिंग क्राउन मिल रहा है भाई इस प्राइस पॉइंट में, ये भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। और ये जो रोटेटिंग क्राउन है ना हर जगह पे काम करता है, जैसे आप यहाँ पर वॉच फेस चेंज कर रहे हो या फिर जैसे आप यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पर भी काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मेन्यू में भी जाओगे तो यहाँ पर भी ये जो है इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो, या फिर किसी मेन्यू के अंदर हो तो भी यहाँ पर जो इस तरह से आप स्क्रॉल करके जो नेविगेट कर सकते हो। तो हर जगह पे ना भाई ये जो रोटेटिंग क्राउन है एक तरह से रोटेटिंग क्राउन की तरह काम कर रहा है। कई वॉचेस होती है भाई वहाँ पर आपको रोटेटिंग क्राउन मिलता है लेकिन हर जगह पे काम नहीं करता। बाकी इस वॉच में यहाँ पर IP67 की रेटिंग है तो थोड़े बहुत स्प्लैशेज या फिर जैसे बारिश वगैरह में ये जो वॉच है आराम से सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसको पहनकर आप स्विमिंग वगैरह या फिर नहा वगैरह नहीं सकते। बाकी इस वॉच का जो UI है उसके बारे में बात करें तो जैसे बताया था यहाँ पर इस तरह से भी आप जो वॉच फेस उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा अगर आपको वॉच फेस चेंज करना तो इस तरह से स्वाइप करके भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मेन्यू है। उसके अलावा ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो ये कुछ टॉगल बटन्स हैं, तो जहाँ से आप इसकी जो ब्राइटनेस वगैरह उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या फिर आपको ये जो मेन्यू स्टाइल है उसको चेंज करना हो तो वो कर सकते हो। तो अभी जो मेन्यू स्टाइल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, जैसे ये हनीकॉम ग्रिड स्टाइल रहता है, इसको चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसमें जाकर अलग अलग जो मेन्यू स्टाइल उसे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ग्रिड स्टाइल मैंने कर दिया तो अब यहाँ पर ये जो मेन्यू है कुछ इस तरह से हो गया। बाकी ये जो मेन्यू है इसको अगर आपको जल्दी से चेंज करना है तो यहाँ पर ये जो क्राउन है इसको दो बार क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो मेन्यू है इसे स्विच हो जाता है, तो अलग अलग स्टाइल है जल्दी से आप यहां पर चूज कर सकते हो। तो ये कुछ आपको यहां पर स्टाइल मिलते हैं। उसके अलावा फीचर्स वाइज यहां पर आपको सारे फीचर मिलते हैं जो आपको किसी भी बजट स्मार्ट वॉच में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर कॉलिंग के फीचर हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके अलावा यहां पर आपको हार्ट रेट, SPO2 और यहां पर स्लीप ट्रैकिंग वाले ऑप्शन मिलते हैं। बाकी एक्यूरेसी जो है ना, चाहे वो हार्ट रेट हो, SPO2 हो या फिर इसमें आपको जो BP वाला भी ऑप्शन मिलता है, उनकी मैं बोलूंगा कि जो एक्यूरेसी है वो यहां पर ठीक ठाक है। तो देख सकते हो मतलब क्लोज सी रीडिंग्स आपको मिलती है, लेकिन हर बार की तरह बोलता हूं ये जो वॉचेस है ना मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर आप इनको यूज करो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज करो। बाकी स्पोर्ट्स मोड जैसे यहां पर आप देख सकते हो इस वॉच में आपको यहां पर कुछ जो स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं जैसे यहां पर आप देख पाओगे। बाकी फिटनेस ट्रैकिंग की एक्यूरेसी की बात करूं तो वो मैं बोला कि यहां पर ठीक ठाक है, बहुत एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको 90% एक्यूरेसी इस वॉच में मिलती है। बाकी जैसे वेदर है, स्टॉप वॉच, कैलकुलेटर वगैरह भी आपको यहां पर मिलता है, जो कि मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है, स्टूडेंट्स वगैरह के काफी काम आता है। उसके अलावा गूगल असिस्टेंट, सीरी वगैरह भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, व्हाट्स द वेदर राइट नाउ,
cloudy with a high of 33 and a low of 21. तो जो आंसर वगैरह रहेगा वो यहाँ पर वॉच में आपको सुन जाएगा। बाकी ऑब्वियस सी बात है, म्यूजिक कंट्रोल करना हो तो वो यहाँ पर आप वॉच से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर प्ले पॉज करना है, नेक्स्ट जाना है, प्रीवियस जाना, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इसमें जैसे कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो यहाँ पर आपको डायल कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट यहाँ पर इसके ऐप के थ्रू सेंड कर सकते हो, ऑलमोस्ट 50 के करीब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पर इसमें आप स्टोर कर सकते हो। डायल पैड में जाकर कोई भी नंबर है उसको डायल करना है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G+ अब लाइव है। तो जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो भी बोला कि काफी डिसेंट है, मैं इसको काट देता हूँ। और यहाँ पर इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, आराम से इस पर आप कॉल ले सकते हो। आउटडोर में हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट होगा तो उसमें थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर स्पीकर का जो क्वालिटी है या फिर इसकी जो साउंड है वो मुझे काफ़ी सही लगी। और उसके अलावा माइक की क्वालिटी है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। तो अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो ना वो सुन रहे हैं यहाँ पर हैमर A3.0 के माइक्रोफोन से, और माइक की क्वालिटी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे तो काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। जो इसका प्राइस है ना उसके हिसाब से तो माइक की क्वालिटी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। और अगर आप इस पर कॉलिंग वगैरह लेना चाहते हो भाई डेफिनेटली बोलूँगा, मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगी माइक की क्वालिटी। आपको कैसी लग रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी नोटिफिकेशन की बात करूं तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आती है, तो कॉल उठा सकते हो या फिर काट सकते हो। और SMS नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहती है, तो जो मैसेज है उसे पढ़ सकते हो, लेकिन इमोजी यहाँ पर उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो फीचर वाइज ना मैं बोला कि इस वॉच में जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं काफी सही है। जो इसका प्राइस है ना सिर्फ 1500 रुपए, उसके हिसाब से तो डेफिनेटली सारे फीचर आपको मिल रहे हैं। बाकी इसके साथ जो ऐप का सपोर्ट है तो HRY Fine आपको जो ऐप इंस्टॉल करनी होती है, और यहाँ पर इसका जो UI वगैरह देख सकते हो, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर आपको फ्रंट में दिख जाएगी, चाहे कितने स्टेप्स काउंट की, कितनी कैलोरी बर्न करी है, उसके अलावा हार्ट रेट, स्लीप, और यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। स्लीप ट्रैकिंग की बात करूँ तो ये मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है 7 hours 7 minutes की, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो रैपिड डीप स्लीप, लाइट स्लीप। स्लीप ट्रैकिंग की एक्यूरेसी में बोलूँगी यहाँ पर ठीक ठाक है। बाकी डेटा में जाओगे तो आपके स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाले ऑप्शन दिख जाएंगे, तो लास्ट जो मेरी एक्टिविटी थी 980 steps। उसके अलावा डिवाइस सेटिंग में जाकर ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसको अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी इसमें यहाँ पर जो वॉच फेसेस हैं उसको आपको इंस्टॉल करना हो तो देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ी सी आपको एक लाइब्रेरी मिलती है, या फिर अपनी कोई फोटो लगानी हो ना तो वो भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ओवरऑल ये जो वॉच है हैमर A3.0 डेफिनेटली भाई 1500 रुपए के हिसाब से आपको एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच मिल रही है। 1.85 इंच का काफी बड़ा सा डिस्प्ले है, मेटल बिल्ड क्वालिटी है, दिखने में भाई वॉच काफी सही लग रही है। जैसा मैंने बताया था यहाँ पर एप्पल वॉच जैसी इसकी लुक है, और 1500 रुपए में ना जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई बहुत ऐसी वॉचेज आपको मिल जाएंगी लेकिन कुछ फीचर वगैरह फिर मिसिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपका बजट सिर्फ 1500 रुपए है ना तो डेफिनेटली बोलूंगा ये जो वॉच है आप इसको चेकआउट कर सकते हो, हैमर A3.0 मुझे तो सही लगी है। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो इस वीडियो में यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट बटन है, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब शॉपिंग से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, मैंने ऐड कर दिया, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको कैसी लगी है हैमर A3.0 ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की अगर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।